अब प्रदर्शन जो है वो उत्तर प्रदेश भवन के बाहर किया जाना है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ निशांत राय, न्यूज स्टेट, दिल्ली। और प्रयागराज से बड़ी खबर है जहां माफिया मुख्तार अंसारी को एक बड़ा झटका हाईकोर्ट से लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी की याचिका खारिज कर दी है। जमानत इस वजह से खारिज की गई, दरअसल मामला विधायक निधि के दुरुपयोग का है। 25 लाख की राशि के दुरुपयोग के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी की तरफ से जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने बड़ा झटका मुख्तार को दिया है। मऊ से विधायक हुआ करता था मुख्तार, इस बार उसके बेटे को चुनाव लड़वाया गया समाजवादी पार्टी गठबंधन में SBSP की तरफ से, लेकिन ये पूरा मामला जो 25 लाख की विधायक निधि से जुड़ा हुआ है, हाईकोर्ट ने जमानत खारिज कर दी है। बड़ा झटका मुख्तार के लिए। और भ्रष्टाचार के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, और इसी सिलसिले में गोरखपुर में अभियोजन विभाग के दो अधिकारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन इस वजह से डीएम ने लिया है क्योंकि ये दो अभियोजन विभाग के अधिकारी रिश्वत लेके गैंगस्टर लगाने का कदम उठाते थे। बाकायदा इसको लेकर जांच पड़ताल कराई गई और डीएम कृष्ण करुणेश ने इसको लेकर आदेश दिया है। अब गृह विभाग के पास फाइल भेजी जाएगी, संस्तुति कर दी गई है और गाज गिरनी तय मानी जा रही है। यही वो वीडियो था जो वायरल हुआ था, ट्वीट किया गया सोशल मीडिया पर, लगातार वीडियो सर्कुलेट हुआ। वीडियो गोरखपुर डीएम तक पहुंचा, पड़ताल हुई और वीडियो सही पाया गया। अभियोजन विभाग के दोनों अधिकारी अब घर बैठेंगे, कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रदेश बनने की दिशा में लगातार दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है, और इसी सिलसिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी उत्तर प्रदेश को इसकी सौगात जल्द मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी सौगात देंगे, काम लगभग पूरा हो चुका है। और इसी सिलसिले में तस्वीरें आप देख सकते हैं, जालौन में इसका निरीक्षण किया गया है। झांसी कमिश्नर और डीएम चांदनी सिंह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने पहुंची। बुंदेलखंड से दिल्ली तक का सफर मात्र 6 घंटे में पूरा होगा। कनेक्टिविटी बेहतर हो, बुंदेलखंड का विकास हो, डिफेंस कॉरिडोर से लेकर नल जल योजना जो है उसको भी लगातार सरकार यहां आगे बढ़ा रही है। और लेकिन सबसे बड़ा काम जो होगा बुंदेलखंड के लिए वो एक्सप्रेसवे का होगा। और उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों का लगातार दौरा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक मेरठ पहुंचे, गरीब कल्याण जनसभा को संबोधित किया, सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 8 वर्ष पूरे होने पर गरीब कल्याण जनसभा में आज मेरठ के सभी लोगों से हमने बात किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाना है, सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया है और आम जनता को यह कहा कि उसकी अपनी सरकार है, आम आदमी के जीवन में बदलाव लाने वाली सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेवा सुशासन का संकल्प लिया है और आप सबको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उनको घर घर तक हम लोग पहुंचाएंगे। दुनिया के 7 अजूबों में शुमार आगरा का ताजमहल, और यहां पर देश विदेश से लगातार सैलानी पहुंचते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहां पीने का साफ पानी भी मैसर नहीं हो पा रहा है। लोगों को साफ पानी से भी लोग महरूम हैं, और जो पानी मिल रहा है वो तस्वीरें देखिए आखिर कैसे लोग प्यास बुझा रहे हैं। फव्वारों का जो पानी है, बागीचे का जो पानी है, जो पानी लीक हो रहा है उस पानी से लोग अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत और सबसे बड़ी लापरवाही आगरा प्रशासन की, ताजमहल प्रबंधन की। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार गर्मी बढ़ रही है, आगरा में भी पारा 44 के पार है और तपिश आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। प्रशासन को यह ध्यान देना चाहिए कि ताजमहल के अंदर इतना महंगा टिकट है, कोई टूरिस्ट अगर बाहर का अंदर आ रहा है तो उसके लिए फैसिलिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए अंदर की कि उसको नाराजगी किसी चीज़ की होनी नहीं चाहिए। अंदर जाके आप देखिए, ना तो कोई पानी की व्यवस्था है, ना किसी चीज़ का क्वेश्चन है, टॉर्चियाँ वगैरह तक टूटी पड़ी हुई है। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय शेठी बहराइच पहुंचे थे, अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला, आतंकवादियों को बचाने का आरोप लगाया और कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है। अजय शेठी बहराइच पहुंचे थे और इसी दौरान अखिलेश यादव पर यह बड़ा हमला बोला, हिंसा को लेकर भी सवाल उनसे किया गया था। और जिस तरह से जावेद पंप के घर पर जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है उसके बाद अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया, यही वजह है कि बीजेपी चौतरफा अखिलेश पर हमलावर है।
आप देख ही रहे हैं कि टारगेट करने की विषय नहीं है, जो लोग पत्थर चला रहे हैं उसको आप वायलेंस में जुड़ा हुआ मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो जो लोग पत्थर चला रहे हैं उन्हीं के खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है। अखिलेश यादव जी ने पहले भी एक, आपको याद होगा, एक आतंकवादी को संरक्षण देने का प्रयास किया था, बाद में न्यायालय से उसको फांसी की सजा हुई है। तो अब वो किसकी तरफदारी कर रहे हैं, क्यों सिफारिश कर रहे हैं, ये उनका विषय है। एक छोटी सी ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं। प्रस्तुत करता देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी देहरादून।